हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और ये वाला जो माता सरस्वती का जो ड्राइंग हम लोग ने किया था प्रीवियस पार्ट में, आउटलाइन किया था, तो इस पार्ट में मैं इसको कलर करूँगा ऑयल पेस्टल से और कलर पेंसिल से। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे करता हूँ। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो वाला पार्ट देख लेना। और इसको कलर करने के लिए मैं डॉम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ जो 50 शेड में आता है, और मैं कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा जो कि बूस्टो का आर्टिस्ट कलर पेंसिल है जो 72 शेड में आता है। अगर आपके पास ये दोनों कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कलर से कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये दोनों कलर से ही कलर करने वाला हूँ। और मैं इस ड्राॅइंग का सबसे पहले बैकग्राउंड करूँगा, देन उसके बाद अदर्स पार्ट को कलर करूँगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग देखते रहिए। और अगर आप प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं वो वाला वीडियो दे दूँगा, बाद से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन को थोड़ा सा इरेज कर लूँगा क्योंकि ग्राफाइट पाउडर जो होता है उसको हटाना ज़रूरी है, तो इसीलिए पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँगा हल्के हाथ से। देन उसके बाद बैकग्राउंड के लिए मैं स्काई कलर का यूज़ करूँगा। स्काई कलर हो जाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो पार्ट है उसे कलर करेंगे। तो आप लोग स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ।
आज के इस पार्ट में मैं बस इतना ही कलर करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में पूरा कलर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि अभी तक हम लोग ने जितना भी कलर किया है वो कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वाला ड्राइंग कैसा लग रहा है। तो आज के लिए टाटा, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बहुत अच्छे रहना और ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहना।